नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश में उभरे युवाओं के स्वर का हवाला देते हुए कहा कि सहमति और असहमति लोकतंत्र के मूल तत्व हैं और भारतीय लोकतंत्र समय की कसौटी पर हर बार खरा उतरा है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व आर्थिक मंच 2020 में आयोजित सत्र सामरिक परिदृश्य भारत को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के मुसलमान विश्व में किसी अन्य जगह से ज्यादा सुरक्षित हैं। गोयल ने कहा कि भारत संभवतः विश्व में सर्वाधिक समावेशी समाजों में से एक है। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि विनायक दामोदर सावरकर के बाद वह बाल ठाकरे थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में हिंदुत्व को हिमायत की और अब कुछ लोग उसका अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुत्र व भाजपा के बंगाल इकाई के उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस ने स्तब्ध करने वाला बयान दिया। CAA का नाम लेकर बगैर बोस ने कहा कि राष्ट्र दूसरे विभाजन की तरफ बढ़ रहा है। राजनीति में 13 सालों के अतीत के बाद महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने अपने नए झंडे चिन्ह और नई विचारधारा के साथ नई शुरुआत की। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन की मुद्रा को चिन्ह के तौर पर जारी किया गया। मशहूर फैशन ब्रांड लुई विटान हीरे की एक दुर्लभ और असाधारण नमूने को एक नया रूप देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि इस 1758 कैरेट के हीरे का नाम सेवोलो डायमंड है, सेत्सवाना भाषा में जिसका अर्थ दुर्लभ खोज है। मर्चेंट फोकस्ड फिनटेक कंपनी भारत पे ने दिल्ली में एक अत्याधुनिक टैक हब शुरू किया है। इसके लिए अपने उत्पाद और प्रौद्योगिकी टीम को मजबूत करने के लिए कंपनी इस वर्ष 75 इंजीनियरों और प्रोडक्ट्स मैनेजर्स की नियुक्ति करेगी। इस तरह से भारत पे लगभग अपनी टेक टीम का 3 गुना विस्तार करेगी। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने घोषणा की है कि 5 बार के NBA चैंपियन रॉन हार्पर 25 से 30 जनवरी के बीच भारत दौरे पर रहेंगे। रॉन का भारत दौरा भारत में इस खेल को लोकप्रिय बनाने के सतत प्रयासों का हिस्सा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा की अविरलता एवं निर्मलता के मुद्दे पर बिहार के नालंदा के साध्वी पद्मावती द्वारा हरिद्वार में किए जा रहे अनशन की सूध ली है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी निर्मल गंगा के प्रति प्रतिबद्धता की भी याद दिलाई है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा, पिछले 5 साल में केजरीवाल ने एक भी चुनाव नहीं जीता। पहले वाराणसी में हारे, हरियाणा में हारे, इसके बाद पंजाब में हारे, MCD चुनाव में हारे और फिर लोकसभा में भी सारी सीटें हार गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी एयर इंडिया को बेचने की सरकार की योजना से नाखुश हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले को लेकर राजनीति और कानूनी अड़चन पैदा हो सकती है। कांग्रेस ने पिछले समय से सार्वजनिक मंचों से नदारद नजर आ रहे नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक का दर्जा दिया है। सरकारी कंपनी ONGC को उसके 64 छोटे और सीमांत गैस क्षेत्रों के 50 क्षेत्रों के लिए बोलियां मिली हैं। यह अपनी तरह की पहली बोली है जिसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों को शामिल किया जा रहा है। किफायती हवाई सेवा उपलब्ध कराने वाली विमानन कंपनी गो एयर ने कहा कि ठप्प पड़ी एयरबस A320 नियो विमानों और एयर स्पेस इंजन की उपलब्धता नहीं होने के कारण उसने 9 मार्च तक के लिए अपनी कुछ उड़ानों को निलंबित कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रिकॉर्ड नामांकन दाखिल होने के बाद चुनाव आयोग ने स्क्रूटनी करने के बाद 830 नामांकन पत्र रद्द कर दिए हैं, जबकि 7 नामांकन पत्र वापस हुए। सुस्ती से जूझ रही अर्थव्यवस्था में रोजगार के मोर्चे पर देश के दिग्गज IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी आगामी वित्त वर्ष में कॉलेज कैंपसों से 2 गुनी संख्या में छात्रों की भर्ती करेगी। बता दें कि कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में कॉलेज कैंपस में 8600 छात्रों को नौकरी दी थी, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी 15000 छात्रों को भर्ती करेगी। उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर देश की बेटियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक संवैधानिक संकल्प है। समाज ये सुनिश्चित करे कि हमारी बेटियों को हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने और निखारने के बराबर अवसर मिले।
गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा, देश को आजादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन कुछ लोग इकट्ठा होकर आजादी के नारे लगाते हैं। आपको किससे आजादी चाहिए? अगर वे भारत से आजादी चाहते हैं तो हमें पीएम मोदी से आग्रह करना चाहिए कि वह सीमा खोल दें और ये जहां जाना चाहते हैं चले जाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की रैली में कहा, मैं 3 सभाएं करके आया हूं, रास्ते में वाईफाई ढूंढते ढूंढते मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, लेकिन वाईफाई नहीं मिला। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री यमुना शुद्ध नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश जाइए, मोदी जी और योगी ने माँ गंगा को शुद्ध कर दिया है। रिलायंस जियो ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का बकाया चुकाने के लिए दूरसंचार विभाग को 195 करोड़ का भुगतान किया है। वहीं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर कुल 88,624 करोड़ की देनदारी बकाया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भुगतान के लिए मोहलत मांगी है। तो ये थी अब तक की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप भी रह सके ऐसी ही खबरों से अपडेट।